हेलो एंड वेलकम गर्स को। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे जो हमारी ड्रीम टीम फेस टू इवेंट आने वाला था उसके यहाँ पे जो परमानेंट आउटफिट थी उसका इन गेम लुक प्लस का यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बीजेएम का यहाँ पे जो कम्युनिटी इवेंट चल रहा था टैगर स्क्वाड इवेंट सो उसका जो कमेंटिंग प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे 7C AKM थी उसका यहाँ पे आपको पता है फायर आर्म मॉडिफिकेशन आ चुका है सो उसकी रिलीज डेट बताने वाला हूँ वो कब रिलीज होगा यहाँ पे फायर आर्म मॉडिफिकेशन एंड उसको आप जो अपग्रेड कर पाओ उसका। सो यहाँ पे जो ड्रीम टीम फेस टू इवेंट प्लस का यहाँ पे जो अपग्रेड स्किन है वो यहाँ पे आपको BGM एंड PUBG वाले दोनों में मिलेगी। बट गया यहाँ पे जो इवेंट होगा हमारा कम्युनिटी इवेंट वो आपको PUBG वाले नहीं सिर्फ BGM में। वीडियो को फुल जोर से वॉच करना। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रीम टीम फेस टू इवेंट की। सो ये आपको BGM एंड PUBG वाले दोनों में मिलेगा। सो इसमें आपको जो परमानेंट आउटफिट मिल रही है जो कि इसका इन गेम में आपको लुक दिखाता हूँ। ये जो इवेंट आपको 11 अगस्त को देखने को मिल जाएगा इसकी और भी जो डिटेल्स है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई सो आप जाके देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये आपको जो परमानेंट आउटफिट मिलने वाली ड्रीम टीम फेस टू इवेंट में, ठीक है। सो कैसे मिलेगी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। सो ये देख सकते हो इसका आपको हेड गियर ऐसा था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटफिट। सो इसका जो नाम है वो यहाँ पे आर्टिक स्पाइस सेट एंड हेड गियर। सो देख सकते हो ऐसी कुछ आउटफिट आपको मिलने वाली है, देख सकते हो इस काफ़ी अच्छी है। पर यहाँ पे जो फर्स्ट वाले यहाँ पे फेज में आई थी ड्रीम टीम इवेंट में वो काफ़ी अच्छी थी इससे। सो देख सकते हो ऐसी कुछ आउटफिट आपको देखने को मिलेगी। आपको कैसी लगी है जो आउटफिट है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो कैसे मिलेगी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इस इवेंट के बारे में। सो गाइस जाके देख सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। सो ये कुछ आउटफिट थी जो कि आपको यहाँ पे ड्रीम टीम फेस टू इवेंट में देखने को मिल जाएगी परमानेंट। सो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो BGMI का कम्युनिटी इवेंट चल रहा था टैगर स्क्वाड नाम से। सो उसका जो कमेंटिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कैसे पार्टिसिपेट करना, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि कितने आपको कमेंट्स करने, कहाँ कमेंट्स करना, ठीक है। सो आज की वीडियो में वो आपको मैं सही से क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे जो कमेंट्स है आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो कमेंट था वो यहाँ पे जो हमारा फ्रेंडशिप डे वाला दिन यहाँ पे जो पोस्ट आया था हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके, सो उस पर आपको करना था, मैंने वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। सो सबसे पहले उसमें आपको कर देना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आज एक और पोस्ट आया जो कि यहाँ पे स्क्वाड स्टोरीज नाम से आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। सो वो भी यहाँ पे एक टैगर स्क्वाड इवेंट का हिस्सा है एंड वो यहाँ पे आपको टोटल 3 जो है टैगर स्टोरीज नाम से आपको एक यहाँ पे वीडियोज देखने को मिलेंगी। सो उन पर आपको कमेंट करना रहेगा। सो गाइस आज जो एक वीडियो आ चुकी है स्क्वाड स्टोरीज की जो कि यहाँ पे रेड जोन लवर नाम से, सो गाइस वहाँ पे भी आपको सिंपली क्या करना है जो यहाँ पे आपको टैग करना है, एक प्लेयर को टैग करना है या फिर आप 3 प्लेयर को टैग कर देना, कोई कितने भी प्लेयर आप टैग कर सकते हो उस पोस्ट में, ठीक है। सो ये अभी पार्ट 1 आया था हमारा स्क्वाड स्टोरीज का, अभी 2 पार्ट और बाकी हैं। सो उनमें भी आपको कमेंट करना रहेगा टॉपिक वाइज एंड जो स्टेप्स मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे जो है टाइप किया। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे ही कमेंट डाला, देख सकते हो रेड जोन लवर यहाँ पे मैंने टैग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट हैशटैग एंड यहाँ पे जो UID थी वो आपको डाल लिया है। सो गाइस ऐसे यहाँ पे आपको 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपको 3 जो स्क्वाड स्टोरीज देखने को मिलेंगी, एक तो आज के तो इसमें आपको कमेंट करना है एंड 4 पोस्ट में अगर आप कमेंट कर दो आपके जो हायर चांसेस हो जाएंगे एंड जो भी यहाँ पे 200 लकी विनर्स होंगे उनको यहाँ पे और मर्चेंडाइज मिल जाएगा या फिर एयर ड्रॉप कह सकते हैं BGMI का। एंड जो भी कुछ डिटेल्स है मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दी थी सो आप जाके देख सकते हो, उसको मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे 7C फायर आर्म मॉडिफिकेशन की रिलीज डेट या फिर कह सकते हो उसकी लक्की क्रेट की रिलीज डेट। सो यहाँ पे हम लैब में जाके देखें एंड यहाँ पे जो आपको 7C नाम से जो आपको AKM देखने को मिलती है इसमें आपको फायर आर्म मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट गए यहाँ पे जो नॉर्मल AKM भी आपको देखने को मिलती है एंड ये जो नॉर्मल AKM है वो भी आने वाली है, एक लक्की क्रेट में आएगी, उसकी रिलीज डेट मैं आपको आगे बताता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो ऐसी कुछ नॉर्मल है, अगर आप फायर आर्म मॉडिफिकेशन पर क्लिक करोगे सो टोटल आपको 3 लेवल देखने को मिल जाती है, ठीक है, एक बेसिक अपेरेंस, एक एडवांस फॉर्म एंड एक फाइनल फॉर्म, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आपको जो नॉर्मल वर्जन चाहिए रहेगा या AKM का, उसके बाद यहाँ पे आप जो मटेरियल से अपग्रेड कर सकते हो इसको, जो फायर आर्म मॉडिफिकेशन कर सकते हो या फिर नॉर्मल वाली अपग्रेड कर सकते हो। प्लस गए यहाँ पे आपको बता दूँ आप चाहो तो कोई सी भी गन में स्विच कर सकते हो, फायर आर्म मॉडिफिकेशन वाली या फिर नॉर्मल वाली, ठीक है। सो आप देख सकते हो आपको 7C गोल्डन वर्जन देखने को मिल जाता है 7C का नॉर्मल वाली AKM का। सो इसमें आपको बेसिक अपेयरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिक अपेयरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
प्लस का यहाँ पे आपको जो इसके अपग्रेड करने के लिए जो फायरर मॉडिफिकेशन है सो उसके लिए चाहिए रहेगा यहाँ पे स्पेशल टाइप का मटेरियल जो कि है मिदास टच। सो ये आपको जरूर चाहिए रहेगा इस यहाँ पे गोल्डन वर्जन को अपग्रेड करने के लिए जो कि आपको लकी ग्रेड में मिल जाएगा। लकी ग्रेड की रिजल्ट मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो आपको द मिदास टच चाहिए रहेगा। अगर ये डुप्लीकेट नहीं करता, ये हमारा जो मटेरियल होता है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक अपेरियंस है, ठीक है। सो ये देख सकते हो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए नॉर्मल वर्जन चाहिए रहेगा, उसके बाद ये जो फायर आर्म मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस फॉर्म में देख सकते हो गाइस काफी ठीक ठाक एडवांस फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि ये गोल्डन वर्जन तो आपको गोल्ड कलर ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे फाइनल फॉर्म देख सकते हो जो कि नॉर्मल वाली जो एक है ना उससे काफी अच्छा लग रहा है। सो देख सकते हो, सो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जो नॉर्मल वर्जन है इसे गेम का वो हमको लेवल 7 करना होगा जब ही हम फायर आर्म मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाली गन स्किन निकाल के जो यहाँ पे फायर आर्म मॉडिफिकेशन कर सकते हो नॉर्मली, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक फायर आर्म मॉडिफिकेशन में EMP भी देखने को मिलती है। सो इसका भी फायर आर्म मॉडिफिकेशन की रिलेटेड आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमारी AKM सेवन सीज गोल्डन आने वाली है उसका यहाँ पे लकी क्रेट का रिलेटेड, यानी उसमें आपको जो मटेरियल भी मिल जाएगा अपग्रेड करने के लिए उसको। सो जो रिलीज डेट है वो यहाँ पे 13th of August, सो 13th of August को आपको यहाँ पे पबजी मोबाइल में मिल जाएगी। एंड रही बात BGMI की, सो एज यू नो यहाँ पे कुछ जो क्रिएट्स हैं वो डिले होके आ रही हैं पबजी मोबाइल से BGMI में, तो वो आपको 1-2 दिन बाद आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी जो लकी क्रिएट है लकी क्रिएट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो वहाँ से आप जो क्रिएट ओपनिंग कर सकते हो UC से। सो गाइस यही सब कुछ था आज की वीडियो में, आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल गया। सो गाइस आई होप आपको वीडियो सुनने की प्लीज लाइक करके आ सकते हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर जो बेल्स कॉल पर जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूं आपको वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।